सब परेशान हो गए, सब बस में बैठे हुए थे। हो गई खराब, गलती तो उनकी भी नहीं थी। मजा आता है मुझे इस चीज में। इनको लौट डाल दिया गया, झूठ बोल रहे, झूठ है। मुलाकात हो गई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन एसके की जर्नी। दिस इज सोहिल, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं आज इटावा जाने वाला हूँ, मैं इटावा निकल रहा हूँ उससे पहले, और इटावा जाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, कंपनी के काम से जा रहा हूँ। उतरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, ये आगरा का मशहूर पेठा, अब मैं जा रहा हूँ बस लेने, और बस मिलेगी उस साइड। चलो तो गाइस, ऑटो से वाटर बॉक्स आने के बाद मैं थोड़ा आगे पैदल पैदल आ गया है ना, तो यहाँ से बस पकड़ूंगा। अब बस में बैठने के बाद में मिलते हैं फिर। गाइस, वाटर बॉक्स से निकलने के बाद में मुझे बस मिल गई थी, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि जिस बस में बैठे, मतलब मेरी किस्मत नहीं, आज बस सबकी किस्मत ख़राब हुई। एक्चुअली बस तो खाली हो गई, सब लोग उतर गए, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में भी बस में बैठा हुआ हूँ, बस ख़राब हो गई है, तो अब हम बस शिफ्ट कर रहे हैं, अब मैं दूसरी बस में बैठने जा रहा हूँ। चलो गाइस, टूडला से थोड़ा सा निकलने के बाद ही ये वाला टोल पड़ता है, तो यहाँ पर ही कोई बस मिलेगी हमें, तो वो शिफ्ट कर देंगे, और उसका कोई जितनी टिकट हमारी पहले है उसी में ही मतलब इंक्लूड हो जाएगा, कोई चार्जेस वगैरह कुछ अलग से नहीं लगेंगे। गाइस, सबके सब परेशान हो गए, सब बस में बैठे हुए थे, ऐसे टाइम बर्बाद होता है मेरा। गाइस एक्चुअली अब क्या कर सकते हैं, अब बस हो गई तो हो गई खराब, गलती तो उनकी भी नहीं थी। आ जाओ जल्दी से ब्लॉग करो, तब इतने लोग देखते हैं यार, इतनी शर्म आती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है क्योंकि मज़ा आता है मुझे इस चीज़ में। गाइस एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मैं इटावा जा क्यों रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के काम से जा रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपनी बुआ के घर पे जाऊंगा, तो संडे को छुट्टी रहती है, और छुट्टी वाले दिन तो बहुत मज़े करने वाले हैं। इसराफ़ी लोहिया से ऑलरेडी बात हो गई है, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, जितने लोग थे सब दूसरी दूसरी बसों में बैठा लिए भैया ने उनको, अब मैं और ये कुछ भैया रह गए हैं, ये लोग वापस बस से लौट आए, इनको लौट डाल दिया गया क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, इसलिए ये लोग वापस आ गए। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद में बस फाइनली हमें मिल चुकी थी। तो गाइस, बस से उतरने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने भैया के गाँव वाले रास्ते पर, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं अभी उनके साथ, फिर जहाँ एक्चुअल हमें जाना है, मैं जिस कंपनी के काम से आया हूँ भरतना के लिए, फिर निकलेंगे साथ में क्योंकि वो बाइक से आ रहे हैं, और अभी मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ। हेलो, अच्छा अच्छा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँ, समोसे आओ तो सही, साथ में खा लेंगे। तो गाइस, भैया की फरमाइश थी कि आ जाऊँ तो मुझे समोसे खिला दियो, यार कितना सुंदर लगता है यार, गांव की बात ही अलग होती है ना, चारों तरफ हरा हरा हरा, ये देखो पेड़, ये रास्ता, इस तरफ है अपना हाईवे। गाइस, ये जवानी, ये बुढ़ापा, झूठ बोल रहे, झूठ है, घर से निकले नहीं थे, बोले यहाँ खड़ा हूँ, टोपी बना रहे हैं। गाइस समोसे खा लिए, अब समोसे खाने के बाद में जा रहे हैं भरतना, जहाँ काम है। चलो
जिस काम के लिए हम एक्चुअली आए हुए थे सर के पास, तो सर से हमारी मुलाकात हो गई है। कंपनी ने जिस काम के लिए ऑफिशियली मुझे यहाँ भेजा गया था वो काम कंप्लीट सर के साथ हो चुका है। तो सर आपको मेरा काम कैसा लगा? आपका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो थैंक यू सो मच। एंड मेरा स्वभाव, मेरा नेचर? आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे तो आपका नेचर हमेशा से ही अच्छा लगता है क्योंकि मैं सर के पास काफी बार आ चुका हूँ, तो ये शायद मेरा चौथा या पांचवा चक्कर होगा, है ना? हाँ, तो मुझे तो वैसे ही सर का काम, मतलब बर्तना के एरिया में जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनमें से सबसे अच्छा नेचर, सच में बता रहा हूँ, मैं सच में आपका नेचर सबसे अच्छा है। तो चलो गाइस अब निकलते हैं हम यहाँ से। आई होप गाइस व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सारी चीज़ें जो होती हैं वो कर दो। पहुंच गए, अब कल वाले व्लॉग में काफ़ी मज़ा होने वाला है क्योंकि कल संडे है, छुट्टी है, तो एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे। तो जब तक आप खुश रहो, हेल्थी रहो एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाय बाय।